वेलकम फ्रेंड्स टू कल्पास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट वाले छोले। वैसे तो हम सभी अपने घर पर छोले बनाते ही हैं, लेकिन रेस्टोरेंट जैसा लुक और टेस्ट नहीं आता है घर पर, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि उस तरह से हम छोले कैसे बनाएंगे। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें छोले को ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। मैंने यहाँ कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम होते ही हम उसमें एक सिनेमन ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे। उसको मैंने आगे से इस तरह से तोड़ लिया है ताकि उसकी फ्लेवर छोले में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हमें प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। अब इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे हम। प्याज हमारे पूरी तरह से ब्राउन हो गए हैं, देखिए। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उसकी प्यूरी बना ली है। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब टमाटर की प्यूरी को भी अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि उसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब टमाटर की प्यूरी भी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून छोले मसाला लिया है, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। मेरे पास अभी अनारदाना नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप आमचूर पाउडर की जगह पे अनारदाना ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने आमचूर पाउडर डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम छोले को 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और गैस पे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गरम करने के लिए रखेंगे। पानी गरम होते ही हम उसमें 2 टीस्पून चाय पत्ती ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। चाय का पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, अब हम इसे उठा लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है, इसी से हमारे छोले का कलर रेस्टोरेंट जैसा आएगा। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे।
अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में हमें ऐड करना है सोडा 1/4 टीस्पून जितना। इससे हमारे छोले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, तो ये स्टेप भी करना बहुत ही ज़रूरी है। छः से सात सीटी लगाने के बाद हमने कुकर को खोल लिया है। देखिए हमारे छोले अच्छी तरह से पक गए हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। मैंने यहाँ पे चाय का पानी यूज़ किया है। आप चाहे तो चाय पत्ती की एक पोटली बना के या फिर रेडी जो टी बैग्स आती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मैंने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। आप चाहे तो इसे तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आती है। अब हम लास्ट में घी का तड़का करेंगे जिससे ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 2 टीस्पून देसी घी गरम करने के लिए रख दिया है। घी गरम होते ही हम उसमें हींग ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और उसके बाद हरी मिर्च और अदरक। हरी मिर्च मैंने 2 ली है जिसको मैंने लंबा काट लिया है, और एक अदरक का टुकड़ा जिसको भी लंबा काट लिया है उसे ऐड कर देंगे। अब हम ये तड़का छोले में ऐड कर देंगे। तुरंत ही हमें इसे ढक देना है ताकि इसकी सारी फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से बैठ जाए। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना। इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आता है, और आप देख भी सकते हैं कि कलर में भी ये बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से मिलती हूँ एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।